अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूं सरसों का साग। तो ये काफ़ी दिन से मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन मुझे मकई का आटा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया था। तो आज हम इसकी रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसों का साग, ये तकरीबन 1 किलो है। छोटी छोटी सी गड्डियाँ ही मुझे इसकी मिली हैं, बहुत अच्छा सा मिल गया है, लेकिन इसको अभी मैंने वॉश नहीं किया है। ये थोड़ा सा मेरे पास बथुआ है, और यहाँ पे मैंने लिया है पालक। तो पालक की भी बहुत छोटी छोटी सी गड्डियाँ हैं, तो मैंने दो ली हैं। तो इनको अच्छे से जो है मैं साफ़ करके कट करूँगी, और ये जो बथुआ है इसके सिर्फ मैं लीव निकालूंगी और इसको भी अच्छे से काट लेंगे। तो चलिए मैं इसको काट के धो के आपको दिखाती हूँ, फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया तो इन करिए। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है, काट भी लिया है इसको। बहुत इसके अंदर डस्ट थी, जो ये सरसों का जो साग है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। काफ़ी दफ़ा मैंने पानी से इसको धोया है। और ये जो बथुआ है इसको भी मैंने जो है पत्ते अलग करके जो है इसके इसको भी काट लिया है, और सारी चीज़ों को धो लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अदरक लहसुन और ये हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरी बहुत तेज़ है, ये छोटी वाली, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 ली हैं, और एक ही बड़ी वाली ली है, और एक पूरा साबुत जो है मैंने लहसुन लिया है, और ये थोड़ा सा अदरक। इसको जो है मैं सब चीज़ों को चॉप कर लूँगी। तो चलते हैं अब चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो है एक पतीली ले ली है, और वैसे तो इसको मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, लेकिन मेरे पास जो मिट्टी की हांडी है वो थोड़ी छोटी है, तो इसलिए मैंने पतीली में ही इसको बनाऊंगी। तो ये सारा डाल देंगे इसके अंदर, तीनों चीज़ों को। ये बथुआ डाल दिया है, बथुआ और पालक भी साथ में डाल दूंगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ तीनों चीज़ों को डाल के इसको हम थोड़ा गलाएंगे, और थोड़ा सा मैं 1/2 कप के जितना इसमें पानी भी डालूंगी। इसको ढक के पकाएंगे। तो इसको हमने इतना अभी कुक करना है कि इसका जो है पानी थोड़ा कम होना शुरू हो जाए और ये थोड़ा गल जाए। तो हम इसको 10 मिनट अभी पकाएंगे, और देखते हैं कि 10 मिनट के बाद इसकी क्या सिचुएशन। तो ये देखें, पूरी पतीली जो है मेरी फुल हुई हुई थी, और ये देखें कितना ये कम हो गया है। तो इस स्टेज पर जो है मैं इसके अंदर डालूंगी ये जो मेरे पास लहसुन अदरक और हरी मिर्च थी, उसको मैंने इस तरीके से कूट लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा मैं रोक लूँगी इसके भगार के लिए। और इसको मिक्स करेंगे, और आप इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं इसके अंदर। इसको ढक के पकाएंगे, और थोड़ा सा लिड जो है मैं खोल दूंगी। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा इसको खोल देंगे और हल्की आंच कर देंगे इसकी, और इसको इस तरीके से पकाएंगे। तो ये देखिए पानी इसका जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी, और पानी को जो है मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। ये देखें स्मोक निकल रहा है, और तकरीबन मैंने 1/2 कप पानी डाला है इसके अंदर। और इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी, क्योंकि मेरे पास वो दाल घोटने वाली जो घोटनी होती है वो नहीं है, तो मैं ब्लेंडर से ही करूंगी इसको। इस तरीके से इसको हल्का हल्का, ये देखें इसको मैंने थोड़ा कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है इसको, बस इस तरीके से किया है कि हल्का हल्का सा रह भी जाए। तो ये देखें यहाँ पर इसको 1/2 घंटा हो गया तकरीबन पकते हुए। अब मैं इसमें डालूंगी मकई का आटा, और मकई का आटा जो है मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया, और थोड़े से पानी में इसको डिजॉल्व किया है, और इसको डालेंगे इस तरीके से। तो ये देखें इसको अच्छे से मिलाएंगे मकई का आटा डाल के। आप सूखा भी डाल सकते हैं इसको, लेकिन मैंने इसको थोड़े से पानी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करके डाला है। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाएंगे, और इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा थोड़ा, वैसे तो मैंने इसको कर लिया था, स्पैचुला से करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का हल्का इसको मैं घोटती भी जाऊँगी साथ साथ। और मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा है, नीचे जलने का मुझे डर था, तो इसलिए इसको इस तरीके से हल्की आंच पे ही मैंने पकाया है।
ये देखिए इसके अंदर लेस आना शुरू हो गई है, ये देखें किस तरह से ये हो रहा है, थिक थिक सा ये हो गया है। तो इसको पकाते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट और फिर उसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर डाल दिया है देसी घी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने, और इसको मैं गर्म कर लेती हूँ। और इसके अंदर मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, उसको इस तरीके से मैंने काट लिया है ऑमलेट कट। तो यहाँ पे जो है देखें अच्छे से हो गई है मेरी प्याज जैसी मुझे चाहिए थी। अब इसमें मैंने डाल दिया टमाटर मीडियम साइज का, बेसिकली हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। और थोड़ा सा जो मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च रोकी थी ये भी डाल दूंगी इसके अंदर मैं, और बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक इस मसाले के हिसाब से। नमक डाल दिया थोड़ा सा, 1 टीस्पून डाल दूंगी इसके अंदर ये मैं धनिया पाउडर, और बस टमाटर को घुलने तक हमने इसको अच्छे से पका लेना है। देखिए मसाला जो है अच्छे से घुल रहा है। एक मैंने डाल दिया इसके अंदर इस साबुत लाल मिर्च, आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अपने हिसाब से जो है वो मिर्च मेरी काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैंने इस टाइम पे बस तो कुटी हुई ही डाली है, जो मैंने ग्रीन चिली को कूट लिया था तो इसलिए मैंने साबुत नहीं डाली है। तो आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, 2-3 भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ रेड डाली है। अभी देखिए अच्छे से जो है वो मसाला मेरा भून गया है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर साग, तो देखें किस तरह से ये जबरदस्त सा बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको अच्छे से इसके साथ मिलाऊंगी, और जो देसी घी डाला है ना इसके अंदर मैंने, उससे जो इसमें खुशबू आ रही है बहुत ही शानदार आ रही है। अच्छे से मिलाएंगे इसको, तो साग जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो इसको अब मैं करूँगी डिश आउट, और डिश आउट करने के बाद एक और तड़का लगाऊंगी मैं इसके ऊपर बिल्कुल थोड़े से ऑयल घी के अंदर, असली घी के अंदर। तो इसको मैं निकालती हूँ, ये रेडी हो गया है बिल्कुल, गर्मा गर्म साग को हम निकालेंगे इसके अंदर, और जल्दी से इसका एक और जो है वो तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने कितना सारा पालक लिया था और साग लिया था, ये कितना सा हो गया पक के। तो इसको मैं उठा लूँगी, दोबारा से डालूँगी तड़के के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जो है वो देसी घी डाल दिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून होगा ये, और इसके अंदर मैं डालूँगी एक लहसुन लिया है मैंने, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने, जितना बड़ा लहसुन होता है उतने ही अदरक को इस तरह से करके जूलियन कर लिया है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून के जितनी ये हींग है मेरे पास, बस इसका एक हम थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे। तो ये देखिए बस ये अच्छे से जो है इसका कलर हो गया है। अब मैं इसको डालूंगी अपने साग के ऊपर, देखिए इस तरीके से डाल दिया इसके ऊपर, अच्छी तरीके से निकाल लेंगे सारा। अगर आपके पास वाइट बटर है तो आप वो डालें, उससे तो और भी मज़े का लगेगा ये। वैसे तो मैंने इसमें देसी घी डाला ही है, और अगर आपके पास वो ना हो तो नॉर्मल वाला जो होता है मैं तो वही डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है वो हमारा साग बनके तैयार हो गया है, सरसों का साग और मकई की रोटी के साथ। इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, तो आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी।
तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।